नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है FYUG सेमेस्टर 1 2023 से लेकर के 2027 तक के स्टूडेंट का, या तो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। बेसिकली मैं बताने जा रहा हूं आज एक मारवाड़ी कॉलेज रांची के द्वारा आज एक नोटिस निकाला गया है। नोटिस में क्लियर किया गया है कि आपका जो OMR बेस पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है कुछ सब्जेक्ट का, ये नहीं कि आप समझ जाइएगा सारा सब्जेक्ट, मैं क्लियरली बताने वाला हूँ किस पे होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है। तो आप मैं पहले बात करूँ कि तो ये बात जो है वो मारवाड़ी कॉलेज रांची के लिए है सेमेस्टर 1 और 2023 से लेकर के 2027 तक के लिए। तो जो सेशन है सेशन को क्लियरली देखिएगा क्योंकि इसी के अनुसार आपका सारा चीज क्लियर होता है। तो सेशन क्या है आपका 2023 से लेकर के 2027 का है, या कॉमर्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कॉमर्स मैंने शॉर्ट में लिखा है उसको समझ जाइएगा, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, ये तीनों के लिए, तीनों के लिए क्या है कि आपका OMR सीट एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो है OMR सीट एग्जामिनेशन क्या है, तो भाई OMR सीट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, क्वेश्चन के चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर सही होगा, कौन सा सही होगा आप उसको टिक कीजिए, या OMR दिया गया है तो मतलब आपका सर्कल होगा, अगर सर्कल होगा तो उस पर आपको क्या करना है, एक में गोलाकार करना है, या तो ये होगा या तो फिर टिक करना होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपका होगा। OMR दिया गया है मतलब कि आपका ये फिलिंग करने वाला ही दिया जाएगा, इस तरह का है। अगर उसमें चेंजेस होगी तो वो पहले अपडेट किया जाएगा, नहीं तो फिर OMR के अनुसार होगा, तो मतलब कि आपका चार ब्लैंक दिए होंगे उसमें आपको एक में कलर करना पड़ेगा। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए एग्जाम से पहले। तो अब आप बात करते हैं कि यहाँ पर कि ये जो है आपका MDCIF ये जो है ये किन के लिए, ये है मात्र साइंस और कॉमर्स के लिए, इसके जो सब्जेक्ट है इसके लिए जो है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये जो है आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो 75 नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा, और ये किन के लिए है, साइंस एंड कॉमर्स। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि आप जो FYUG में एडमिशन लिए हैं तो उसमें सारा चीज कॉमन हो गया है, या तो आपका जैसे आप जूलॉजी में हैं तो आप साइंस के अंतर्गत में आते हैं, बॉटनी में तो साइंस के अंतर्गत में आते हैं, अगर कॉमर्स की बात करें तो वो नॉर्मली कॉमर्स में है, आप पॉलिटिकल साइंस है ये कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली आपका जो कोर्स है उसके आगे पीछे क्या लिखा होगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, मतलब उसके लिए ये कंपलसरी है। अगर आप साइंस में है कॉमर्स में है तो आपके लिए मैथमेटिकल्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है इसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका कोर्सेस, 75 नंबर का होगा, तो मतलब कि 75 क्वेश्चन आपका होंगे। उसके साथ साथ में बात करें कि MDCIF1 ये जो है आर्ट्स के लिए, आर्ट्स के लिए उसका भी 75 नंबर का होगा, और ये इसका क्या है, इंट्रोडक्टरी टू जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं, मेल फीमेल की बात करते हैं कि इक्वल जेंडर होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, उसको लेकर के आपका जो है ये जो सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी टू जेंडर इक्वलिटी जो आपका 75 नंबर का होगा और सिर्फ ये आर्ट्स के लिए होगा। यहीं पे बात करेगी आपका जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, तो इसका जो कोड जो दिया गया है ये VAC 01 01, मतलब वोकेशनल जो है आपका ये जो कोर्स है VAC 01, तो इसका जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप ये किन के लिए, तो ये आपका 100 नंबर का होगा, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे जिसका एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा, OMR बेस पे होगा, तो इसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए होगा। फिर से रिपीट कर दूं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये तीनों के लिए, तीनों के लिए आपका है कि ये 100 नंबर का हो गया, आर्ट्स वाला का है तो आर्ट्स वाला के लिए जो है MDCIF जो है इंट्रोडक्टरी टू जेंडर इक्वालिटी है जो 75 नंबर का होगा, और वहीं पे बात करें MDC 1F का तो मैथमेटिकल एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग जो है वो है 75 नंबर का, वो साइंस और कॉमर्स के लिए। तो यहां से क्लियर हो गया होगा साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए ये जो पेपर है ये तीनों के लिए कॉमन है, ये तीनों के लिए कॉमन है साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए। वहीं आर्ट्स की बात करें तो ये सिर्फ आर्ट्स के लिए है, और कॉमर्स और साइंस की बात करें तो ये सिर्फ कॉमर्स और साइंस के लिए है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये जो आपका तीन विषय है वो क्लियर हो गया होगा। तो मान लीजिए जो साइंस में है, साइंस वालों का क्या हो गया, 1 2, आर्ट्स के लिए तो 1 2, तो इस तरह से आपका दो पेपर जो है वो आपका OMR बेस पे होगा, बाकी जो पेपर होंगे वो आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। तो थ्योरेटिकल पेपर होगा, थ्योरेटिकल पेपर में भी बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन के अनुसार हो सकता है आपका कि हो सकता है, गौर कीजिएगा हो सकता
है तो सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे। सिलेबस कहां से मिलेगा आपका? सिलेबस मिलेगा रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। वहां पर भी जाते हैं सिलेबस के, तो एनईपी का रिवाइज्ड सिलेबस को जरूर देखिएगा। एनईपी का रिवाइज्ड सिलेबस को देखिएगा, पुराना वाला मत देखिएगा। तो वहां पर रिवाइज दिया गया, पहले एक बार एनईपी का निकाला गया था, उसके बाद फिर एनईपी रिवाइज्ड सिलेबस निकाला गया था, उसको देखिएगा। उसमें आपका क्लियरली बताया गया है किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न होगा। हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन हो, तीन नंबर का क्वेश्चन हो जो छोटा टाइप का होगा, जो पांच नंबर के क्वेश्चन हो जो लंबा टाइप का होगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चंस का। तो वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट पे जाएगा, और ये जो आपका आ गया ये आपका ओएमआर बेस्ड पे जाएगा। ओएमआर बेस्ड पे जाएगा मतलब दो पेपर आपका ओएमआर बेस्ड हो रहा है, बाकी जितने हैं वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका थ्योरेटिकल बेसिस पे हो रहा है। तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।